डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पेंटागोन के बाद हेक्सागोन, यानी कि अभी हम जितने भी पॉलीगोन होते हैं यानी जिसको बहुभुज कहते हैं वो हम बता रहे हैं, और ये जानकारी होना जरूरी है कि किस प्रकार बहुभुज में जो है चार भुजा से अधिक भुजा हुआ ना तो वो बहुभुज में आएगा, वो पॉलीगोन कहलाएगा। जैसे कि पेंटागोन हो गया यानी पंचभुज, अभी हेक्सागोन यानी षटभुज, और इसके बाद हेक्टागोन सप्तभुज, इसके बाद ऑक्टागोन अष्टभुज, इसके बाद नोनागोन नवभुज, डेकागोन दसभुज, अनडेकागोन 11 भुज, और डी डेकागोन उसको हम 12 भुज कहते हैं। इतना भुजा तक अगर आप बनाते हैं तो हो सकता है कोई भी भुज पूछ दे एग्जाम में, इसके लिए आपको इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो अभी हम एक ऐसा मेथड बता रहे हैं जिससे कि आप आसानी से सारे भुज को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप हेक्सागोन जान लीजिए, हेक्सागोन यानी कि षटभुज किस प्रकार, छः भुज किस प्रकार बनेगा, उसके लिए और क्वेश्चन अगर रहेगा कि ड्रॉ द हेक्सागोन ऑफ ईच साइड 40 mm। अभी हम 40 mm का पिछले क्लास में बताए थे पेंटागोन, लेकिन इस आज के क्लास में हम हेक्सागोन का बता रहे हैं जिसका सभी भुजा सभी साइड्स 40 mm ही है। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, 40 mm का एक लाइन खींचेंगे। तो लाइन खींचने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सेट स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम केवल लाइन खींच लें, ठीक है, लाइन केवल हम खींच लेते हैं और खींच करके फिर हम उसका नाप बाद में लेते हैं। तो इसका मतलब है कि एक अगर हम लाइन खींचे, ठीक है, इसका मेजरमेंट नहीं है किए हैं, लेकिन अब इसका मेजरमेंट के लिए हम क्या करेंगे, टू पिन का यूज़ करते हैं। मेजरमेंट किससे करते हैं, टू पिन से। तो टू पिन नहीं है तो अभी आप टू पिन रखें और 40 mm का नाप लेकर के, 40 mm हम यहाँ से इसको नाप लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 40 mm हो गया। इस 40 mm के बाद क्या करेंगे, इस लाइन को आधा से अधिक करके हम बीच से दो भाग में बांट देंगे। इसको हम दो भाग, इस लाइन को दो भाग में करना है। तो जैसे इसको कट किया, इसको कट किया, और अपोजिट से फिर इसको कट करेंगे, अपोजिट से कट करेंगे, तो ये लाइन दो भाग में बट गया। इसको हम मिला लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। यहाँ से हम इसको सेंटर लाइन से हम इसको मिला लेते हैं, यानी कि लाइन को हम दो भाग में बांट दिए। ये सब सारा काम हल्का रखेंगे और लाइन के अपेक्षा इस लाइन को हल्का रखेंगे, जितना हेल्पिंग लाइन है सब हल्का रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे 90 एंगल का कोण बनाएंगे, इस छोर पे 90 एंगल का एक कोण बनाएंगे। 90 एंगल क्या है, एक चाप 180 का किया, इसके बाद फर्स्ट कट 60 का होता है, सेकंड कट 120 का होगा, और इसको अगर दो भाग में काट देंगे तो 30 निकल जाएगा मेरा, ठीक है। ये 30 निकला तो 60 और 30 90 हो गया, इसको हम बढ़ा लिया, ये हमारा 90 एंगल हो गया। देखिए ये हम बढ़ा लिए, ये थोड़ा डिप कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये हम खींच लिया 90 एंगल का एक कोण बना लिया। अब क्या करना है, ये जो 40 mm का नाप हम लिए हैं यहाँ से यहाँ, ये जो मेजरमेंट किए हैं 40 mm का, इस 40 mm को यहाँ से जहाँ से हम नापे हैं, इस 40 mm को का एक चाप ऐसे ड्रॉ किया। तो और दूसरी बार क्या करते हैं, इसको हम इससे मिला भी देते हैं, यहाँ से इसको सीधा मिला देंगे, ये और ये इसको हम मिला देंगे। तो यहाँ दो जगह, ये जो हम लाइन को दो भाग में बांटे हैं 40 mm को, तो ये लाइन को दो जगह काटा, ये एक यहाँ एक यहाँ, तो इस पॉइंट को हम 4 मानते हैं और इस पॉइंट को 6 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 गायब है, 5 हम नेक्स्ट क्लास में जो हम बताएंगे 5 का क्या कब जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 और ये 6 है, तो हमको हेक्सागोन ड्रॉ करना, तो 6 से हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम देख लेंगे यहाँ से यहाँ तक का नाप आ रहा हो, और ये यहाँ भी टच करेगा और यहाँ भी टच करेगा, इस कॉर्नर को देखिए बिल्कुल टच किया, और इसको हम सर्किल ड्रॉ कर लिए, ये सब काम हल्का करेंगे, ठीक है। ये इसको ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, अब हम इसको एक कट तो किया हुआ है, अब अपने आप 6 भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा कट हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ, ये छठा हो गया। अब सबको हम मिला लेंगे, जितने पॉइंट्स बने हैं, कट बने हैं, इस कट को हम मिला देंगे, सारे कट को हम डीप से मिलाएंगे, डार्क करके मिलाएंगे, क्योंकि हमको मेन फोकस हेक्सागोन पे है, तो इसको डार्क करेंगे, फिर इसको इससे मिला देंगे, ये मिल गया, इसको इससे मिला देंगे,
ये मिल गया, इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। ये देखिए आपका ये जो हम 40 mm लिए हैं ये सब 40 mm का हो गया, क्योंकि कट किए हैं 40 mm से ही, एक दो तीन चार और ये पाँच और ये छः भुज मेरा एक्यूरेट 40 mm 40 mm का बन गया। अब इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे डायमेंशनिंग एक का दिखा देंगे। तो डायमेंशनिंग करने के लिए क्या करना होगा, एक्सटेंशन करना होगा, तो इसको एक्सटेंशन कर लेंगे, इसका एक्सटेंशन करेंगे और इसका भी एक्सटेंशन करेंगे और इसको ये जो डायमेंशन ये जो ऑब्जेक्ट लाइन है इसी लाइन के पैरेलल में डायमेंशन लाइन को एक डायमेंशन को शो कर देंगे, पैरेलल होना चाहिए ठीक है, और इसमें एरो हेड डाल देंगे। ये 40 mm है, आप mm भी डाल सकते हैं, ये 40 mm का सारा साइड हो गया। इस प्रकार हम ये हो गया हेक्सागोन, ये हमारा हेक्सागोन हो गया। इस प्रकार हेक्सागोन हम कंप्लीट हो गया मेरा। और दोस्तों इसे बनाना आसान है, सर्वप्रथम क्या किए, सबसे पहले 40 mm का लाइन खींचे, इसको दो भाग में बांट दिया आधा से अधिक लेकर के। ये दो भाग में बांटने के बाद यहाँ 90 डिग्री का एक कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद इसको यहाँ पे खड़ा किया लाइन 90 डिग्री का। इसके बाद यही रेडियस जो रेडियस था इसी रेडियस का एक चाप यहाँ से कंपास से हम यहाँ और यहाँ को काट दिए और उसको एक लाइन से मिला दिए। तो ये पॉइंट जो हुआ जो लाइन स्ट्रेट लाइन से मिला है ये 4 हुआ और जो कर्व से मिला है वो 6 हुआ। अब 6 से चूंकि हेक्सागोन बनाना है तो 6 से हम एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, 6 से इस पॉइंट को एकदम एक्यूरेट मिला लेंगे, देख लेंगे कि ये पॉइंट और एक और ये पॉइंट मिलेगा, एकदम बिल्कुल मिलेगा। और इसका तब हम सर्किल खींचे हैं और खींचने के बाद इसी का कटिंग हम करते गए, बराबर 6 भाग में बढ़ गया और सबको हम मिला दिए ऑब्जेक्ट लाइन से। तो इस प्रकार हमारा हेक्सागोन तैयार हुआ। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।